नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज देश भर में नीम करोली बाबा का नाम उनके चमत्कारों के लिए जाना जाता है। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में सन 1900 के आसपास हुआ था। कहते हैं कि लोग इन्हें बजरंग बली का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा के द्वार पर बड़े से बड़े सेलिब्रिटी दस्तक दे चुके हैं। स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक यहाँ पहुंचे, बाबा का आशीर्वाद लिया है। नीम करोली बाबा ने चार ऐसी बातों का जिक्र किया जिन्हें दूसरों के साथ शेयर करने से व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में जानते हैं कि नीम करोली बाबा के अनुसार व्यक्ति को दूसरों से क्या चीजें समझना नहीं चाहिए। तो कुछ बातें हैं जो नीम करोली बाबा ने कही है कि दूसरों से शेयर बिल्कुल ना करें। अपनी बातें, अपनी कमजोरी और ताकत नीम करोली बाबा की बातों का अनुसरण करके व्यक्ति जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। इनका कहना है कि व्यक्ति को कभी भी दूसरे व्यक्ति से अपनी ताकत और कमजोरी के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। अगर आप जीवन में कोई गलती करते हैं तो दूसरों के सामने उसे उजागर ना करें। इनका कहना है कि दूसरों को अपनी कमजोरी बताने से षड्यंत्रकारियों को आप पर हमला करने का मौका मिल जाता है। ऐसे में आपकी हार लड़ाई से पहले ही तय हो जाती है, जो आपकी बर्बादी का कारण बनती है। वही दूसरों को अपनी ताकत के बारे में भी नहीं बताना चाहिए। कहते हैं कि दूसरों के सामने अपनी शक्तियों का बखान करने से आपकी रणनीति का खुलासा पहले ही हो जाता है। ऐसे में आपको हराना दूसरों के लिए आसान हो जाता है। दान पुण्य की बातें भी नहीं करनी चाहिए। नीम करोली बाबा कहते हैं कि जब भी आप आध्यात्म में रुचि लेते हैं और दान पुण्य करते हैं तो किसी को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। कहते हैं कि जब आप दान पुण्य की बातें दूसरों से बताते हैं तो उससे मिलने वाला फल अधूरा रह जाता है, साथ ही इससे जीवन में नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। वही लोग आपको गलत समझने लगते हैं, उन्हें लगता है कि आप अभिमान में आकर दान कर रहे हैं। ऐसे में इन चीज़ों को गुप्त रखने में ही भलाई है। भूत की घटनाएं, जीवन में अपने अतीत के बातें दूसरों के साथ भूलकर भी ना साझा करें। नीम करोली बाबा कहते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा अतीत रहा हो जिसमें आपने कोई बुरा काम किया हो या उसमें संलिप्त रहे हो तो इस वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में इन बातों को भूल जाने में ही भलाई है। आपकी इन कमियों को जानने के बाद शत्रुओं का आप पर उंगली उठाने का मौका बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, कब कोई दोस्त दुश्मन बन जाए पता नहीं चलता। ऐसे में दोस्तों के साथ भी इस तरह की कोई बात शेयर ना करें। अब दूसरी बात है आमदनी का खुलासा। नीम करोली बाबा कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने और खूब धन कमाने का एकमात्र मंत्र है कि कभी किसी के सामने अपनी आमदनी का खुलासा नहीं करना चाहिए। ये बात जानकर लोग आपके स्तर को आंकने लगते हैं। इतना ही नहीं, आपकी राशि पर लोग बुरी नज़र लगाकर बैठते हैं। इस तरह की बुरी नज़र से व्यक्ति की आय के स्रोत में बाधाएं आती हैं, इसलिए आमदनी या धनराशि के बारे में किसी को भूलकर भी ना बताएं। उम्मीद है ये खास पेशकश आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कुछ खास पेशकश के लिए आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ बने रहिए और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देखते रहिए।